हम वायरल कम्युनिकेशन युग में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह। मैं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में शिक्षिका हूँ और गूगल न्यूज इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क की ट्रेनर भी हूँ। इसी नाते आज मैं फेक न्यूज चुनौतियाँ एवं संभावनाएं विषय पर रेडियो खांची के जरिए फेक न्यूज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम फेक न्यूज चुनौतियाँ एवं समाधान। आदमी को आदमी से बात करने की फुर्सत भले ही ना हो, लेकिन मोबाइल पर आए संदेशों को देखने और फॉरवर्ड करने का समय हम किसी तरह जुटा ही लेते हैं। इंतजार नहीं करना चाहते टेलीविजन पर रात 8 बजे के समाचार बुलेटिन का, सुबह दरवाजे पर आकर अखबार डालने वाले होकर का और ऑल इंडिया रेडियो की प्रातःकालीन समाचार सेवा का भी। स्मार्टफोन के आने से खबरें, मनोरंजक वीडियो, तस्वीरें और भी तमाम तरह का कंटेंट एक क्लिक भर से आसानी से हम सबको मिल जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मिलने वाली खबरों के अलावा भी दिन भर अनेक सूचनाएं और जानकारियां हम लोग परस्पर सोशल मीडिया मंचों और व्हाट्सएप पर साझा कर रहे हैं, बिना ये सवाल उठाए कि ये जानकारी सही है भी या नहीं। साल 2018 में फेसबुक ने कुछ आंकड़े दिए थे। वो आंकड़े कहते हैं कि व्हाट्सएप पर रोजाना लगभग 65 बिलियन संदेश भेजे जा रहे हैं और 2 बिलियन से भी ज्यादा संदेश आवाज और वीडियो कॉल के रूप में रोजाना मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, धार्मिक, आध्यात्मिक और जन सरोकारों से जुड़े संदेशों तक ये वायरल कम्युनिकेशन ठीक लगता है, लेकिन जब जाने अनजाने बिना जांचे परखे हम तमाम तरह की सूचनाएं, जानकारियां, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट दिन भर में सोशल मीडिया और फोन के जरिए विभिन्न समूहों में प्रचारित प्रसारित करते हैं, तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। पिछले कुछ सालों में फेक इन्फॉर्मेशन के वायरल होने का सिलसिला, या सरल भाषा में कहूँ तो सूचनाओं के विकृत होने का सिलसिला समाज में तेजी से पांव पसार रहा है। फेक ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता वाले सॉफ्टवेयर, टूल्स और तकनीकों ने डीप फेक को भी बढ़ावा दिया है। फेक इन्फॉर्मेशन का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि बहुत से समाचार संगठनों में फैक्ट चेकिंग विंग बना ली गई है। ये विंग पूरी तरह वायरल संदेशों की सत्यता को ही जांचने परखने का काम कर रही हैं। लोगों को जागरूक करने के मकसद से गूगल न्यूज इनिशिएटिव भी डेटा लीड्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मीडिया संगठनों, पत्रकारिता, शिक्षण संस्थानों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है ताकि फेक सूचनाओं के संदर्भ में उन्हें सशक्त बनाया जा सके। सन 2018 से अब तक गूगल न्यूज इनिशिएटिव देश भर में 45,000 से भी ज्यादा पत्रकारों, फैक्ट चेकर्स, पत्रकारिता के विद्यार्थियों और मीडिया शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका है। भारतीय सरकार की ओर से भी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी कई प्रतिष्ठित बड़ी वेबसाइट अपने यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई भ्रामक खबरों व जानकारियों पर निरंतर न केवल नजर रख रही है बल्कि उन्हें डिलीट करने का काम भी कर रही है। फेक इन्फॉर्मेशन पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे इन प्रयासों को हम जन सेवा का आधुनिक स्वरूप कह सकते हैं। सूचनाओं के विकराल भंडार में से सच और गुमराह करने वाली जानकारियों के बीच का फर्क कर पाना सचमुच एक चुनौतीपूर्ण काम है। खुद नामी समाचार पत्र व समाचार चैनल भी फेक इन्फॉर्मेशन को सच मानकर प्रकाशित और प्रसारित करने की अनेक बार गलतियां कर चुके हैं। फिर एक आम आदमी से गलती होना एक स्वाभाविक सी बात है। सूचनाओं के इन विकृत स्वरूपों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन भारत के लिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि इनकी वजह से मॉब लिंचिंग, दंगे और कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। सूचनाओं की प्रवृत्ति कुछ इस तरह की होती है कि एक सामान्य सूचना या जानकारी अगर प्रकाश की रफ्तार से समाज में फैलती है तो वहीं भ्रामक सूचनाओं की रफ्तार उनसे दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी देखी गई है। दिल्ली में कोई घटना घटती है, उसी रोज कुछ ही पल में रांची के लोगों, आपके, हमारे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया स्टेटस पर भी उस घटना को पढ़ा, देखा और सुना जा सकता है। कहने का मतलब है कि भ्रामक सूचनाओं की प्रकृति समाज में इस समय एक संक्रामक रोग जैसी है। याद करने की कोशिश कीजिए कुछ संदेशों को, जैसे जन गण मन को यूनेस्को ने दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम घोषित किया है। अंतरिक्ष से भारत की ली गई वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें भारत रात में रोशनी से जगमगाता दिखाई दे रहा है और उसे दिवाली की तस्वीर बताया गया।
व्हाट्सएप पर खूब वायरल हुई थी वो तस्वीर। 2000 रुपए के नोट में जीपीएस ट्रैकिंग के लिए नैनो चिप लगाई गई है, ये भी खूब वायरल हुआ था। आखिर क्यों हम अविश्वसनीय से दिखने वाले संदेशों पर इतना विश्वास कर जाते हैं कि सबसे पहले शेयर करने वालों की सूची में हम अपना नाम देखना चाहते हैं? किसी भी शायरी के नीचे गुलजार जावेद, कविताओं के नीचे निराला मैथिली शरण गुप्त या कुमार विश्वास या अमृता प्रीतम, और किसी प्रेरक वाक्य के नीचे गांधी जी का नाम आ जाए, अब्दुल कलाम या किसी विदेशी प्रकाशन का नाम लिखा आ जाए, आप और हम वाह वाह करते हुए फॉरवर्ड कर देते हैं, एक सेकंड में हमारे स्टेटस पर चस्पा कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग से जुड़ी हमारी इन आदतों के पीछे बहुत से कारक काम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों को अपडेट करने की हमारी जल्दबाजी, हमारा इनहेरेंट बायस, अरे बड़ी शख्सियत का नाम है, तस्वीर भी तो साथ में लगी है तो सही होगी। मनोवैज्ञानिक नजरिया कहता है कि भ्रामक जानकारियों पर यकीन करने वाले लोग दरअसल दिमागी तौर पर सूचनाओं की प्रोसेसिंग ही नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, ध्यान से न देखते हैं, न पढ़ते हैं, न उस पर दूरगामी विचार विमर्श करते हैं और तुरंत फॉरवर्ड करने की गलती कर बैठते हैं। हमें समझना होगा कि फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएटर सबसे पहले आपका विश्वास जीतने वाले पहलुओं पर काम करते हैं। विश्वास अर्जन वो रामबाण है जिसका निशाना अचूक है। विश्वास अर्जन की ही अगली स्टेज है संदेश की फॉरवर्डिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ना। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड संदेश बड़े पैमाने पर वायरल हो जाते हैं, और जब कोई एक झूठ, एक भ्रामक जानकारी 100 बार बोल दी जाए तो उसे समाज में सच मान लिया जाता है। सबसे ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वायरल होती हैं तस्वीरों और वीडियो के रूप में। विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्टर्ड और मॉर्फ्ड तस्वीरें समाज में इस समय भ्रांति फैला रही हैं। कुछ वेबसाइट विज्ञापन पाने के लिए विजिटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्लिकबेट्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे विजिटर्स के ध्यान को खींचने के लिए वो सनसनीखेज हेडलाइंस बना देंगी। कई बार किसी राजनीतिक हित पूर्ति के मकसद से जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए संदेश तैयार किए जाते हैं। इसी तरह कई वेबसाइट फेक इन्फॉर्मेशन को लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से ही बस पोस्ट करती हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए सूचनाओं को भ्रामक बनाना और वायरल करना एक फायदेमंद बिजनेस की तरह है। जितने ज्यादा क्लिक और फॉरवर्डिंग, शेयरिंग, उसी गति से उन्हें विज्ञापन मिलते हैं। संचार और संवाद की भाषा में हम अपने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को दृश्यों की ताकत को कुछ इस तरह समझाते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसलिए कहीं ना कहीं तस्वीरें और दृश्य भ्रामक जानकारियों को फैलाने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि इसके लिए पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं। समाज के अशिक्षित तबके तक यह आसानी से काम करता है। गौर कीजिएगा, शुरुआत में मैंने जाने अनजाने इन 2 शब्दों का जिक्र किया था, जाने अनजाने, जिनका मतलब है भ्रामक सूचनाओं एवं जानकारियों के इस जाल में 2 तरह के लोगों की भागीदारी है। एक वो जो जानते ही नहीं है कि उनके द्वारा फॉरवर्ड किया जाने वाला संदेश पूरा सच नहीं है, मैनिपुलेटेड है, और दूसरे वो लोग हैं जो फेक वाला सच जानते हैं उसके बावजूद संदेश फॉरवर्ड कर रहे हैं। फेक इन्फॉर्मेशन के अभियान से जुड़ी संस्थाएं इस तरह की सूचनाओं को मिस और डिस इन्फॉर्मेशन की संज्ञा देती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब साझा की गई जानकारी भ्रामक है, गुमराह करने वाली है, लेकिन साझा करने वाला व्यक्ति इस बात से वाकिफ नहीं होता है। और डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भ्रामक सूचना को, जानकारी को फैला रहा है, उसका अंतर्निहित मकसद किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना, समाज में अराजकता फैलाना या किसी भी तरह की नकारात्मकता को फैलाना हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी जानने की जरूरत है कि कई रूपों में इन मिस और डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है। कई दफा इस प्रकार की सूचनाएं सटायर या पैरोडी के रूप में महज किसी को मूर्ख बनाने के लिए वायरल कर दी जाती हैं। कई बार आपको किसी खबर के साथ लगी हेडलाइन, कोई फोटो या कैप्शन देखने पर लगेगा कि अरे इस पूरी खबर और हेडलाइन का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, तो इसे हम फॉल्स कनेक्शन कहते हैं। या 2 अलग अलग लोगों की तस्वीरों को मिलाकर या फिर किसी तस्वीर के पीछे के बैकग्राउंड को बदलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में काउबॉय लुक में हैट पहने सफेद घोड़े पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को पूरी तरह से AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे पहचाना जाए कि कोई जानकारी फेक है या सच। तो सबसे बड़ा यंत्र इस समय आपके हाथ में ही है, वो है आपका मोबाइल फोन, आपका स्मार्टफोन।
अगर टेक्स्ट फॉर्म में कोई अविश्वसनीय प्रतीत होती या आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने वाली खबर मिलती है तो उसकी हेडलाइन या कुछ शब्द जिन्हें हम इंटरनेट की भाषा में कीवर्ड्स कहते हैं अपने वेब ब्राउजर में जाकर सर्च करिए और पता लगाइए कि क्या किसी राष्ट्रीय या स्थानीय मीडिया ने इस तरह की खबर को अपने प्रकाशन या प्रसारण में स्थान दिया है। किसी फोटो का सच पता लगाने के लिए आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च और गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीरों और वीडियो का मेटा डेटा भी इस बारे में आपकी काफी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट का सच पता लगाने के लिए आप शेयर करने वाले के प्रोफाइल पर जाएं, उसके द्वारा साझा की गई जानकारियों के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और वो पैटर्न आपको उसकी मानसिकता का अनुमान दे देगा। ट्विटर हैंडल से अगर शेयर हुई है कोई जानकारी तो क्या शेयरकर्ता का अकाउंट वेरिफाइड है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। समाचार संगठन द्वारा वितरित किए गए फोन नंबरों पर भी आप सीधे खबर को वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। आपको बता दूं कि सन 2017 में आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग दिवस मनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी फेक न्यूज शब्द को वर्ष 2019 में अपने शब्दकोश में जोड़ लिया है। अब हम फेक न्यूज से डीप फेक न्यूज की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए, अक्षर ज्ञान से हम साक्षर तो हो गए हैं, डिजिटल मीडिया ने भी हमें विश्व स्तर पर जोड़कर सूचना समृद्ध भी बनाया और डिजिटली साक्षर बनाने में भी मदद की। अब जो नई चुनौती है वो है सूचनाओं के स्तर पर साक्षर बनने की, मतलब इंफॉर्मेशन लिटरेसी की। परस्पर विश्वास का माहौल बनाए रखना समाज की पहली जरूरत है, लेकिन जब बात वायरल सूचनाओं की आती है तो हमें थोड़ा सा अविश्वासी होना होगा, फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा संदेही बनना होगा, अपने आंख कान और दिमाग खुले रखने होंगे। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान में जागरूकता का परिचय देना होगा। स्कूलों में जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित पठन पाठन का माहौल बन रहा है, सबसे ज्यादा जरूरत है हम आज ही उन्हें छोटी उम्र से ही सूचनाओं के मामले में आलोचनात्मक रूप से सोचना और पड़ताल करना सिखाएं। अंत में 1 अप्रैल को बीबीसी हिंदी में कीर्तिश के छपे एक कार्टून के जरिए अपनी बात रखना चाहूंगी। उस कार्टून में लिखा था, पहले लोगों को एक ही दिन मूर्ख बनाने का रिवाज था और मैं कहूंगी कि अब हम खुद अपने ही हाथों शायद रोजाना मूर्ख बन रहे हैं। तो ये तय हमें करना है कि साल में हमें अपने ही साथ कितने फूल डे मनाने हैं। धन्यवाद।